नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की एक खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो इस खास पेशकश में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी सही मायने में लॉटरी लग गई। जी हां, आप चौंक गए होंगे, और जिनकी वजह से लॉटरी लगी वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। और ये शो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, कैसे आपकी भी लॉटरी लग सकती है, इसके लिए आप सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। लेकिन उससे पहले जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपको बता दें हमारे साथ विकास जैन है स्टूडियो में मौजूद हैं, और अभय चंडेलिया भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। रोहित भारद्वाज एक्स डायरेक्टर है इंडियन ऑयल, वो भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। और शुभकरण चोररिया स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सुनील पंसारी सीएफओ ऑफ केएम ट्रांस लॉजिस्टिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और एक और खास मेहमान है पीआर मोहता, जो रायपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अक्सर आपने ये पढ़ते या सुनते होंगे कि किसी का जैकपॉट लग गया है या लॉटरी लग गई है। जी हाँ, किसी को उसके दादा परदादा की जायदाद मिल गई है, तो किसी को उसकी कंपनी ने लाखों रुपए का इंसेंटिव दे दिया। लेकिन ये सब हर किसी के साथ तो नहीं होता, लेकिन जो कुछ आपके साथ हो सकता है शायद आपको इसका पता नहीं। सवा सौ करोड़ की आबादी, जिंदगी की आपाधापी, चार पैसे जोड़ने के जद्दोजहद में उम्र निकल जाती है। घर से ऑफिस के बीच झूलती जिंदगी जब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, तो खून पसीने से इकट्ठा किया गया पीएफ का पैसा बुढ़ापे का आखिरी सहारा होता है। लेकिन वो भी ना मिले तो क्या हो? शेयर बाजार रोजाना लाखों करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं। हम में से कई इससे दूर रहने में ही भलाई समझते हैं। लेकिन जब ये मालूम पड़े कि बाप दादाओं ने 20 साल पहले कुछ शेयर लिए थे और उनकी कीमत आज लाखों में है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि शेयर बाजार तो आपके लिए पहेली है। हर इंसान खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि देश में 64,000 करोड़ रुपया ऐसा है जिसका कोई दावेदार नहीं, या यूं कहें कि जिसका ये पैसा है उसे मालूम ही नहीं, और अगर मालूम भी हो जाए तो उसे हासिल करना मुश्किल है। एक आकलन के मुताबिक 37,000 करोड़ रुपए शेयर्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स, छोटी बचत योजनाओं, निष्क्रिय पड़े बैंक खातों और डीमैट अकाउंट्स में ऐसे ही पड़े हैं। अकेले करीब 26,500 करोड़ रुपए तो प्रोविडेंट फंड में पड़े हैं। इन अनक्लेम्ड पैसों को उनके सही दावेदारों तक पहुंचाती है एक संस्था जिसका नाम है शेयर समाधान। ये संस्था ऐसे लोगों का अनक्लेम्ड पैसा दिलाने में मदद करती है जो या तो निवेश कर भूल चुके हैं और उनके पास उसे क्लेम कर वापस पाने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, या काफी कोशिशों के बावजूद नाकामी हाथ लगी है। ये संस्था अनक्लेम्ड पैसे के असली हकदारों से खुद भी संपर्क करती है और उन्हें बताती है कि उनका कितना पैसा पीएफ, पीपीएफ, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पोस्टल सेविंग्स या किसी बैंक के निष्क्रिय खाते में पड़ा हुआ है, और अगर वो चाहें तो उस पैसे को निकाल सकते हैं। ऐसे काफी लोग कंट्री में है जो पुराने जमाने में इन्वेस्ट करते हैं, भूल जाते हैं, या उनके पास फिजिकल कॉपी रहती है बट मल्टीपल स्क्रिप्ट होने के कारण वो कंपनियों से फिर इंटरेक्ट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी लिमिटेड यू नो टेक्निकल नॉलेज होती है। लोग जब नौकरी करते हैं तो लोग जब पीएफ में जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी किसी कारण से वो निकाल नहीं पाते हैं। सो पुट टुगेदर हमें लगा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें कोई प्रोफेशनल एंटिटी है नहीं इस कंट्री में जो इसको एक वन स्टॉप सॉल्यूशंस दे सके। तो उसी दिन से हम लोगों ने ये सोचा कि हम शेयर समाधान। ये संस्था अनक्लेम्ड अमाउंट को रिकवर करने के लिए कुल अमाउंट का 10-15% फीस के तौर पर चार्ज करती है। शुरुआत में लोगों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उनके पैसे जिसे वो भूल चुके थे या लाख कोशिशों के बावजूद हासिल नहीं कर पा रहे थे उन्हें वापस मिला, तो मानो उनकी अचानक लॉटरी ही लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। तो वाकई अचानक आपकी भी लॉटरी लग सकती है, लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, किस तरीके से आपको अपना ये पैसा वापस मिल सकता है, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। अभय चंडेलिया जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे कि आपकी संस्था ऐसे लोगों का अनक्लेम्ड पैसा दिलाने में मदद करती है जो निवेश करके शायद भूल चुके हैं, बहुत साल हो गए हैं, या उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कैसे?
करीब 4 साल पहले मेरे एक परिचित ने मुझे फ़ोन किया चेन्नई से। उसने कहा कि मेरे एक दोस्त के कुछ पैसे हैं जो उसे याद भी नहीं आ रहा कि कौन सी कंपनी के हैं और कितने हैं। तो मैंने उनको फिर कोशिश करा कि भाई आप जरा अपने दिमाग पर प्रेशर डालें और बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करें। तब उनको पता चला कि मेरे सोम डिस्ट्रीरे के शेयर थे। तब मैंने कहा कि भी कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है, तो उन्होंने बताया भी मेरे पास तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है, आपने मेरे को अपने पिताजी का नाम, उनका एड्रेस, सारी डिटेल दे दीजिए। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, कुछ ज़माने पहले लोगों के पास में KYC डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं होता था, तब लोग अपना नाम कुछ भी लिख देते थे। जैसे कि उनका नाम था चेतन लाल झाबक, तो उनके पिताजी का नाम बीच में आता, कुछ जगह पे पिताजी का नाम बीच में आता है, तो उन्होंने चेतन कमल झाबक लिखा था। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं आती है। तब उस दिन उन्होंने मुझे अप्रोच किया, हमने उनके शेयर सोम डिस्टिलरी के करीब करीब 63 लाख रुपए की वैल्यू थी उस समय जब हमने उनको निकाल करके दिए थे। तो उन्होंने मुझे इतना इतना धन्यवाद दिया कि बोले पता नहीं आपने तो मेरे उसके को बाद से सिलसिला शुरू हो गया और लोगों का जो अनक्लेम पैसा है उसके लिए आप मदद करते हैं, लोगों की सही राह उन्हें जरूर दिखाते हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के केसेस आपके पास आते हैं और किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ऐसे केसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए। जब अपन अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अनक्लेम इन्वेस्टमेंट में लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, एज इंश्योरेंस में भी वो लोग एज एन इन्वेस्टमेंट कभी करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, KVP, पोस्टल सेविंग्स एंड इन ऑपरेटिव बैंक अकाउंट में भी एज ए सेविंग्स टूल्स वो लोग यूज़ करते हैं। सो पुराने ज़माने में लोग पहले फिजिकल शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिजिकल शेयर कुछ तो डीमैट में कन्वर्ट हो गए, बट अभी भी कई लोगों के पास वैसे फिजिकल शेयर्स पड़े हैं। अब रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, एक्चुअल शेयर होल्डर्स जिसने फिजिकल शेयर खरीदे थे वो एक्सपायर हो गया, आपके पास फिजिकल शेयर्स थे पर वो गुम गए, आपके पास फिजिकल शेयर्स थे वो अब फट गए, उसको आप क्लेम नहीं कर पा रहे हो, तो इसी रीज़न से वो जब कंपनी को अप्रोच करते हैं तो कंपनी उसको काफ़ी सस्पिशियस पॉइंट से देखती है कि क्या पता एक्चुअल क्लेमेंट है या नहीं है। तो उनके कंप्लाइंसेस प्रोसेस इतने लंबे होते हैं, तो उस चक्कर में कभी कभी शेयर होल्डर्स भी हताश हो जाता है कि हम इतने कंपनी से कैसे इंटरेक्शन करते हैं। इसके अलावा लोग जब ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं तो अपनी हार्ड एंड मनी जो PF में कंट्रीब्यूट होती है, तो किसी भी रीज़न से वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, उस रीज़न से भी उनके पैसे अटक जाते हैं। जी, ये बताइए कि जो लोग आपके पास आते होंगे अपने अनक्लेम्ड पैसा वापस लेने के लिए, तो ये आप मुश्किल नहीं आती कि जो क्लेमेंट आ रहा है क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, तो उसके लिए किस तरीके से प्रोसीजर आगे होता है? जब क्लाइंट हमें अप्रोच करता है तो इनिशियल लेवल पे बिफोर वी टेक द मैंडेट फ्रॉम द क्लाइंट, हम उनकी जेन्युइनिटी हम अपने लेवल पे भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में भले ही उसके इन्वेस्टमेंट की पूरी वैल्यूएशन करनी हो, उसकी जेन्युइनिटी इस्टेब्लिश करनी हो, तो उस प्रोसेस को हम अपने लेवल पे पहले रिसर्च करते हैं, और अगर शेयर समाधान को लगता है कि ये केस जेन्युइन है, इसमें कोई फ्रॉड का एलिमेंट नहीं है, तभी हम एज ए नेक्स्ट प्रोसेस उसे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फाइनलाइज करते हैं। तो कोई भी अगर क्लेमेंट आपके पास आता है तो आप यूं ही किसी का भी केस नहीं लेते हैं, उसकी जेन्युइनिटी देखना बहुत ज़रूरी है कि बंदा कितना जेन्युइन है और उसका केस भी कितना ज़्यादा जेन्युइन है। तो निजी कंपनी में काम करते हुए लोग कई बार नौकरी बदलते हैं और आजकल PF निकालना जितना आसान हो गया है उतना पहले कभी नहीं था। आपको आज भी ढेरों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो PF पाने के लिए सरकारी महकमों के चक्कर लगाते हैं। ऐसे एक शख्स हैं P मोहता। जी हाँ, कैसे उनकी मुश्किल आसान हुई देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर के वल्लभ नगर में रहने वाले P मोहता के चेहरे पर आजकल तनाव कम हुआ है। उन्हें अब अपनी पुरानी कंपनी में फंसे PF का पैसा मिलने की उम्मीद दिखी है, जो पिछले 12 साल की जद्दोजहद के बाद लगभग खत्म हो चुकी थी। मामला 1998 का है, जब P मोहता ने कनोई पेपर एंड इंडस्ट्रीज में नौकरी शुरू की थी और 31 मार्च 2003 को छोड़ दी। इस दौरान मोहता जी ने प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं निकाला, क्योंकि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से ये थोड़ा मुश्किल काम था और स्टेटमेंट्स भी सही नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी PF की जगह ऑप्शनल PF स्कीम लेने का फैसला किया। इस स्कीम में कंपनी के मालिक ट्रस्ट में अपने कर्मचारी का PF जमा कराते हैं और उसमें उतनी ही राशि खुद भी जमा करते हैं। P मोहता ने अपनी कंपनी के मालिक पर भरोसा करते हुए बक्सा डुअर्स ग्रुप एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के ट्रस्ट में PF जमा कराया। मिस्टर जैन ने मुझे ये बताया है कि वो इसको पैसे को वापस लेके आएंगे। ये पैसा अभी विद इंटरेस्ट करीबन 10 से 15 लाख रुपया हो गया होगा, क्योंकि मेरे पास स्टेटमेंट उस कंपनी ने नहीं दिया है
लास्ट 10 साल से 15 साल से, तो मैं ये सोचता हूँ कि इंटरेस्ट तो मुझे मिलेगा ही, ये मेरी हार्ड अर्न मनी है एंड इट विल कम बैक। पी मोहता ने ट्रस्ट में जमा पीएफ की रकम जानने की कई बार कोशिश की। उन्होंने इस ट्रस्ट में पीएफ के बारे में स्टेटमेंट्स मांगे तो उन्हें पता चला कि 31 मार्च 2000 तक उनके खाते में 39,120 रुपए हैं। 31 मार्च 2001 के पीएफ स्टेटमेंट से उन्हें मालूम हुआ कि उनके खाते में 130,214 रुपए हैं। 2003 में नौकरी छोड़ने के दौरान जब पी मोहता ने पीएफ डिटेल्स मांगा तो उन्हें नहीं बताया गया। अपना पीएफ निकालने के लिए पी मोहता ने हार नहीं मानी। उन्होंने पीएफ कमिश्नर कोलकाता और सेंट्रल पीएफ एजेंसी दिल्ली को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ये लड़ाई लड़ते लड़ते उन्हें 3 साल बीत गए। ब्याज छोड़कर ये रकम अब लगभग 6 लाख हो चुकी थी, जबकि 2006 में ट्रस्ट ने मोहता जी को सिर्फ 50,000 का चेक थमाकर चलता कर दिया। इसके बाद पी मोहता जी ने हिम्मत नहीं हारी और लड़ते रहे। तब जाकर उन्हें शेयर समाधान नाम की एजेंसी की जानकारी मिली। उन्होंने इस एजेंसी से संपर्क किया। मोहता जी की पीएफ की रकम बढ़ते बढ़ते अब 10 से 15 लाख रुपए हो चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि शेयर समाधान उनकी बरसों की कमाई को उन तक जरूर पहुंचाएगी। देवेश तिवारी, जी बिजनेस, जयपुर। तो चलिए, खुद पीयर मोहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयर मोहता जी, वाकई अपना ही पैसा लेने के लिए आपने 12 साल की एक लंबी लड़ाई जरूर लड़ी है। आपने 1998 में नौकरी शुरू की थी और उसके बाद जब आपने नौकरी छोड़ी तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और यहां तक आप कैसे पहुंचे कि आपको आपका पैसा मिल गया, ये बताइए। देखिए, ये जो मेरा किस्सा है ये 17 साल पुराना है, और जब मैंने कनोई पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि बिलासपुर में है और जिसका कि हेडक्वार्टर्स वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है, जब ज्वाइन की तो ये सोच के ज्वाइन की थी कि बड़ी अच्छी कंपनी है, प्रोग्रेसिव है और बड़ा अच्छा पीरियड बीतेगा, और वी हैड अ गुड टाइम। फर्स्ट ईयर आई गॉट द पीएफ स्टेटमेंट वेरी नाइसली, सेकेंड ईयर ऑल्सो पीएफ स्टेटमेंट आते रहे। हमने ऑप्शनल स्कीम में अपने आप को रखा था ये सोच करके, 15 साल पहले पीएफ से पैसा निकालना वाज डिफिकल्ट, इट वाज नॉट इजी। नाउ लॉट ऑफ चेंजेस हैव टेकन प्लेस, बट दैट टाइम इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज आई हैड माय प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग आउट द पीएफ फ्रॉम द कमिश्नर्स पीएफ वाज डिफिकल्ट। सो आई ऑप्टेड फॉर अ ऑप्शनल स्कीम इन विच द प्राइवेट ट्रस्टीज like Birlas and other companies, they keep the your provident fund money along with the employer's money and then it gets the interest at the normal rate which the PF scheme also gets. Jee. After 1.5 year or so, the statement was not coming. जी मोहता जी, जाहिर है कि एक लंबी लड़ाई आपने इतने सालों तक जरूर लड़ी है। उम्मीद हम यही करेंगे जल्द से जल्द आपको आपका पैसा मिल जाए। विकास, इस केस में जो अपना ही पैसा है, पीएफ का पैसा है, जब ये केस आपके पास आया तो कितनी ज्यादा पेचीदगियां थी और अब कब उम्मीद लगाई जाए कि इनको कब तक अपना पैसा वापस मिल जाएगा, ये बताइए। मोहता जी ने हमने 2 महीने पहले अप्रोच किया था, तो उनके केसेस की पूरी डिटेल्स हमने लेने के बाद हम अपने लेवल पे कंपनी और कैलकटा के जो रीजनल पीएस ऑफिस उनसे कंप्लीट इंटरेक्शन किया। कभी कभी होता है जो मोहता जी बोल रहे हैं कि पीएफ कमिश्नर को वहाँ लेटर लिखने के बाद रेस्पॉन्स में टाइम लग जाता है, फिर हमें सीएस समाधान ने अपने एम्प्लॉय को कैलकटा ऑफिस में भेजे उनके बाद। अब आपको लगता है कि बहुत आसान है आगे का रास्ता, इनका पैसा इनको? हाँ, कंसिस्टेंटली परस्यू करने से प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। सो वी आर वेरी होपफुल कि मोहता जी को ड्यू कोर्स में पैसे मिले। तो चलिए मोहता जी, ऐसे और भी बहुत लोग होंगे जिनको अब एक उम्मीद की किरण जगी होगी कि उनका भी जो अनक्लेम्ड अमाउंट है उन्हें मिल सकता है। और शेयर बाजार के माहिरों के लिए भी क्या शेयर निकालने में कोई दिक्कत आ सकती है, वो भी तब जब लंबा चौड़ा अनुभव हो। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में रहने वाले शुभकरण चौरारिया शेयर बाजार के माहिर खिलाड़ी हैं और बाजार में निवेश भी करते हैं, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो अमूमन पुराने शेयर धारकों के साथ होता है। अपने शेयरों को जब उन्होंने निकालने की सोची तो सामने आई कई मुश्किलें, कभी दस्तखत का चक्कर तो कभी बैंक का अप्रूवल तो कभी डॉक्यूमेंट्स का अधूरापन।
मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली आने के बाद में मेरा फॉर्म वो पड़े रहे, मेरे को जानकारी नहीं मालूम पड़ी और कुछ मेरा डेड हो गया। फिर मैंने दूसरे पता किया, कंपनियों में चिट्ठियां लिखी, किसी से पूछताछ करके आगे आगे उनको किया, तो कंपनियों में मैंने चिट्ठियां लिखी तो कुछ मेरे पेपर ट्रांसफर मेरे नाम होके आ गए। आज से 32 साल पहले पटना से छोटे पैमाने पर शेयर बाजार में सुभकरण चौरारिया ने हाथ आजमाना शुरू किया था। धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ा तो उन्होंने कोलकाता में सब ब्रोकरेज का धंधा शुरू किया। उस जमाने में ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, एप्लीकेशन पर 10% ब्रोकरेज कमाते थे और खुद भी निवेश करते थे। उस वक्त उन्होंने 108 कंपनियों के शेयर खरीदे थे जिनकी उस वक्त कीमत करीब 6 लाख रुपए थी। 2008 में सुभकरण चौरारिया ने ब्रोकरेज का बिजनेस छोड़ दिया। मैं वहां पे गया एक दिन और मेरा पेपर उनको दिखाया, 108 कंपनी के मेरे पास शेयर थे, उन्होंने 34 कंपनी के शेयर छांटे। 34 कंपनियों में मेरे पास में 24 ऑलरेडी कन्फर्मेशन फाइनल होके आ गए, बाकी अभी मेरा उनके साथ में चल रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस। परिवार के साथ समय बिताते हुए चौरारिया जी ने अपने 32 साल पुराने शेयरों के निवेश को बेचने की सोची। उनके पास कागज भी पूरे थे, इसलिए कुछ कंपनियों के शेयरों की कीमत तो वसूल हो गई, लेकिन कई कंपनियों में तमाम मुश्किलें आईं। कुछ कंपनियों ने उनके सरनेम चौरारिया और जैन पर सफाई मांगी, क्योंकि कई डॉक्यूमेंट्स में उनका सरनेम चौरारिया और कुछ में जैन था। उनका पैन कार्ड भी चौरारिया नाम से था, कई जगह दस्तखत का मिलान भी नहीं हुआ। कंपनियों ने बैंक से क्लियरेंस लाने को कहा। चौरारिया ने कंपनियों को चिट्ठियां लिखी, कोर्ट के चक्कर भी लगाए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन चौरारिया जी को उनके बेटे ने शेयर समाधान के बारे में बताया। उन्होंने उस कंपनी से संपर्क किया। शेयर समाधान ने 108 में से 34 कंपनियों को चुनकर रिकवरी शुरू की। आज की तारीख में 24 कंपनियों के 50,000 रुपए चौरारिया जी को मिल चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि बाकी कंपनियों के पैसे भी उन्हें जल्द मिल जाएंगे। संतोष कुमार, जी बिजनेस, दिल्ली। तो खुद हमारे साथ स्टूडियो में शुभकरण चौरारिया जी मौजूद हैं। शुभकरण जी, ये बताइए कि बहुत साल पहले आपने इन्वेस्ट किया था और 120 कंपनी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बहुत सारी कंपनीज थी, तो जाहिर है 120 कंपनीज को फॉलो करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। किस तरीके से आपका पैसा फंसा और आपको क्या लगा कि अब मेरा पैसा वाकई मुझे वापस मिल सकता है? कितनी सफलता आपको लगी इसमें? पैसा मेरे को जब मैंने लगाया था, धीरे धीरे कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने किया था, तो डायरेक्टली मेरा कुछ पेपर आ गए, कुछ में मेरे को कंपनियों से दिक्कत महसूस हुई और मैं करवा नहीं पाया था। कुछ टाइम पे मेरे को जैसे लगा कि अब इतना पैसा खर्च होता है, टाइम वेस्ट होता है, छोड़ दो। उसके बाद मेरे बेटे ने मेरे को एक भाई साहब का कार्ड दिया है, भाई साहब का शेयर समाधान का, वो जब मैं इनसे संपर्क किया तो इन्होंने मेरे पेपर एक दिन टाइम करके मंगाया। जी शुभकरण जी, अब इसमें ये बताइए कि डॉक्यूमेंट्स इनके पास कुछ नहीं थे और नाम का भी कहीं ना कहीं कुछ जरूर प्रॉब्लम आ रहा था, सरनेम का, नाम को लेके, चूंकि फैमिलीज के नाम पर भी था, तो ऐसे केसेस के अंदर किन बातों का ध्यान रखने की कंज्यूमर को जरूरत होती है? आज की तारीख के अंदर में KYC डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हो गए हैं, तो जब कभी भी हम कोई भी फॉर्म वगैरह भरें जहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट अटैच नहीं भी किया जाता हो, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी स्पेलिंग जो है, जो हमारे KYC डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, इलेक्शन ID कार्ड्स हैं एट्सेट्रा, इसमें जो नाम लिखा हो वही स्पेलिंग हमें लिखनी चाहिए। पहले जब ये कंपलसरी नहीं था तब ये लोग मिस्टेक करते थे, कोई अपने सर के नाम, जैसे कोई गर्ग है तो वो अग्रवाल लिखता है, कोई चोरड़िया है तो वो जैन लिखता है, कोई दुगड़ है तो वो भी जैन। इसी पॉइंट पर मैं आ रही थी कि ये तो अब कंपलसरी किया गया है, इससे 10 साल पहले की अगर तस्वीर देखें तो बिल्कुल अलग थी, तब तो इस तरीके का कोई भी सरकार की तरफ से कंपल्शन नहीं था, तो तब के जो केसेस थे तो उनमें किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है जिससे उनको अब अपना पैसा वापस मिल जाए? अब आज की तारीख के अंदर में अगर हम उनसे रिलेशन, जो जिनसे हमने परचेज किए थे उनको अगर हम ढूंढ पाएँ तो उनसे हम आज की तारीख में पेपर्स ले सकते हैं कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो। लेकिन आज ये गवर्नमेंट ने अभी आज की तारीख में पैन कार्ड कंपलसरी कर दिया है, तो इसलिए उनका पैन कार्ड ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो अगर हम संभव हो तो जब हम शेयर परचेज करें तो एक कोई ना कोई KYC डॉक्यूमेंट का मिलान उसके साथ में जरूर कर लें, कि उनके पास में पुराना भी अगर कोई पेपर हो उससे उसका नाम मैच कर लें, तभी जा करके हम
कोई डॉक्यूमेंट या शेयर्स, म्यूचुअल फंड किसी और से जब फिजिकली जब हम खरीदे मैच्योर्ड अनक्लेम्ड इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से केसेस में घर वालों को शायद पता ही नहीं होता कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और वो जो इंसान है दुनिया से चला जाता है, तो ऐसे में जो पीछे फैमिली मेंबर्स बच जाते हैं वो किस तरीके से अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं, जिनको बाद में 4 साल या 5 साल बाद पता लगता है कि हमारे फैमिली मेंबर की ये इंश्योरेंस पॉलिसी भी थी जिसका पैसा हमें नहीं मिला है। इनफैक्ट आई एम द सफरर ऑफ ऑन दिस केस, यू नो आई लॉस्ट माई ब्रदर, सो यू नो उनके साथ ये घटना घटी हुई है। उन्होंने काफ़ी इंश्योरेंस पॉलिसीज ली बट घर के बड़े होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी से भी शेयर नहीं की। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट फिजिकल फॉर्म में अगर कर रखा है तो अपने फैमिली मेंबर को कंप्लीट इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इंडिया एक, मैं इंडिया की बात नहीं बोलूँगा, हर घर की ये कहानी है कि स्पाउस अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो अपने वाइफ या हस्बैंड से शेयर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, जस्ट आउट ऑफ कॉम्प्लेसेंसी कि चलो हम कर लेंगे। बट यू नो व्हेन आई लॉस्ट माय ब्रदर इन ए रोड एक्सीडेंट, देन आई रियलाइज्ड कि जो जाने वाला था वो तो चला गया बट उसके पीछे फैमिली को इतनी प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ी जिसे मुझे 4 साल लगे। दैट वॉज अनदर रीज़न यू नो वी थॉट दैट यू नो शेयर समाधान यू नो कैन हेल्प अस। जी जी बिल्कुल। अच्छा अरिया जी, यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका शेयर्स का जो मसला था जहाँ पर नाम की दिक्कत आ रही थी, इस पूरे केस के बाद आपको क्या लगता है आप दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जब भी वो शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, खासकर नाम को लेकर? पूरा नाम का स्पेलिंग सही होना चाहिए, प्रॉपर पैन कार्ड वगैरह, बैंक में जो उनका अकाउंट है वो बैंक में उसी अकाउंट के नाम से स्पेलिंग वगैरह राइट होनी चाहिए। ए और आई में भी कंपनियां पेपर वापस लौटा देती है, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। उसके बाद आपको बैंकों से कन्फर्मेशन साइन वेरीफाई करवाना पड़ता है, सब चीज़ें करवानी पड़ती है, थोड़ा टाइमिंग उसमें ज़्यादा लग जाता है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी। अब सेबी ने जैसे परचेज करने वालों से ज़रूरी कर दिया पैन कार्ड का, वो उसमें सेबी को छूट करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। भाई परचेज करने वाला 20 साल पहले परचेज किया, वो आदमी मर गया, वो अब हमें कहाँ से उसका पैन कार्ड मिलेगा? तो इन बातों का ख्याल, जी जाहिर है कि रोहित भारद्वाज एक्स डायरेक्टर इंडियन ऑयल भी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मामला कहां तक पहुंच गया था कि आपको लगा कि अब उम्मीद छूट गई कि अब तो पैसा मुझे मिलेगा ही नहीं? मेरे केस में जो है, मैंने कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था 10-15 साल पहले, और हमारा जिस टाइम मैं सर्विस में था तो ट्रांसफरेबल जॉब्स था। ट्रांसफरेबल जॉब्स के अंदर में क्या होता था, आपका बैंक का अकाउंट भी चेंज हो जाता था, आपका एड्रेस भी चेंज हो जाता था इस चीज़ के बारे में। तो मैंने जो है कई जिनसे फंड वालों से जिससे भी मैंने फ़ंड में इन्वेस्ट किया था उनसे मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस करी, क्योंकि कई लोगों को तो ऐसा होता है कि ये भी नहीं पता होता कि जब आपका अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो क्या प्रोसीजर, क्या सिस्टम फॉलो करना है इस चीज़ के बारे में। जी। और उसके लिए जो है, जो म्यूचुअल फंड की जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी आपको टाइमली एंटीबेट नहीं करती हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई जब आपका अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप ये इन्फॉर्मेशन जो है, मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन। अब आपको क्या लगता है कि आपको जो अपना पैसा है उसमें कितनी, ऐसे ही अगर जो और केसेस हो उनमें कितनी आसानी आ सकती है? अब जो मेरा पैसा जो है, जब मैंने जो शेयर समाधान से कॉन्टैक्ट किया इस चीज़ के बारे में, और अभय और हम जो है एक ही जगह में रहते हैं इस चीज़ के बारे में, तो जब मेरी अभय जी से बात हुई ऐसे ही एक ओकेशन के ऊपर में, तो इन्होंने मेरे को अपना ये बताया कि भाई ऐसा ऐसा करके लोगों का इतना इतना पैसा है, मैं मेरे इस चीज़ में एक आइडिया है।